क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। प्रभु, तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा कर के दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। तूने अपनी पवित्र भूमि के पुराने निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिनसे उनके घृणित कार्यों के कारण तुझे बैर हुआ था। उनका जादू टोना, उनकी निंदनीय धर्म रीतियां, बच्चों की निर्मम हत्याएं, मनुष्य के मांस और रक्त की वेदावती, जिनमें अंतड़ियां तक खाई जाती थीं, दीक्षितों के रस्यात्मक धर्मानुष्ठानों की रंगरलियां, तूने असहाय बच्चों के उन हथियारों को हमारे पूर्वजों के हाथों द्वारा मिटाना चाहा, जिससे वह भूमि जो तुझे सबसे प्रिय है योग्य लोगों से, ईश्वर के पुत्रों से बसाई जाए। किंतु तूने उन पुराने निवासियों पर दया की क्योंकि वे मनुष्य थे। तूने अपनी सेना के अग्रदूतों के रूप में उनके पास बर्रे भेजे, जिससे वे उनका धीरे धीरे विनाश करें। तू उन अधर्मियों को एक ही युद्ध में धर्मियों के हाथ दे सकता था, या हिंसक जानवरों या एक ही कठोर शब्द द्वारा उनका क्षण मात्र में सर्वनाश कर सकता था। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा तूने यह क्या किया, या कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा। जिन राष्ट्रों की तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा। कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। ऐसा कोई राजा या शासक नहीं है जो तेरे द्वारा दंडित लोगों के कारण तेरा विरोध कर सकता है। तू न्यायी है और न्याय से विश्व का शासन करता है। तू अपने सामर्थ्य के अयोग्य समझता है कि निर्दोष को दंड दिया जाए। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यदि तूने अपने पुत्रों के शत्रुओं को, जिन्हें प्राणदंड मिलने वाला था, इतनी सावधानी और नम्रता से दंडित किया और उन्हें अपनी दुष्टता से विमुख होने का समय
और अवसर दिया है, तो तूने अपने पुत्रों का कहीं अधिक सावधानी से न्याय किया है, जिनके पूर्वजों के लिए तूने शपथ खाकर विधान निर्धारित किया और उनसे मंगलमय प्रतिज्ञाएं की थी। इस प्रकार तूने हमें शिक्षा देने के लिए हमारे शत्रुओं को नरमी से दंड दिया, जिससे हम भी न्याय करते समय तेरी दया का स्मरण करें, और जब तू हमारा न्याय करता है तो हम तेरी दयालुता पर भरोसा रखें। जो लोग मूर्खतावश अधर्म का जीवन बिता चुके थे, तूने उन्हें उनके अपने घृणित कार्यों द्वारा दंड दिया। वे बहुत दूर तक भटक गए थे, वे नासमझ बच्चों की तरह धोखा खाकर सबसे नीच और घृणित जानवरों को देवता मानते थे। इसलिए तूने उन्हें नासमझ बच्चे मानकर दंड स्वरूप हंसी के पात्र बना दिया। उपहास के इस दंड द्वारा जिनका सुधार नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर के योग्य दंड दिया जाएगा। जिन प्राणियों को वे देवता मानते थे, उनके द्वारा उन्हें दंड दिया गया और कष्ट एवं यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार वे उस सच्चे ईश्वर को पहचान गए, जिसका ज्ञान वे पहले अस्वीकार करते रहे। इस कारण उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया गया।